आज की मेरी रेसिपी है एक तुरंत बनने वाली बहुत ही शानदार रेस्टोरेंट स्टाइल सब्जी पनीर भुर्जी। इसके लिए आप चॉपर में एक हरी मिर्च, दो मीडियम साइज़ के टमाटर और 1 इंच अदरक ये डालकर इसे चॉप कर लें। मैं अपनी ज़्यादातर सब्जियों में इसे यूज़ करती हूँ। अब करीब 150 ग्राम पनीर लेकर उसे कद्दूकस कर रख लें। हमें अपनी ये तैयारी पहले से कर लेनी है, फिर ये सब्जी तुरंत बनती है, 5 मिनट में बन जाती है, इसलिए इसे जब खाना हो तभी बनाएं तो और ज़्यादा अच्छा। आप शिमला मिर्च बारीक बारीक काट लें, आधा कटोरी उबले हुए मटर रखें और थोड़ा सा बारीक धनिया पत्ती काट कर रखें। अब एक पैन में 1 बड़ा चम्मच तेल डालें, इसमें 1 तेज़पत्ता, 1 साबुत लाल मिर्च, 8-10 काले मिर्च साबुत और 1 छोटी हरी मिर्च को तोड़कर डालें। फिर इसमें 1 चम्मच जीरा और हींग डालकर इसे सौते कर लें 1 मिनट के लिए। अब इसमें सबसे पहले बारीक कटी हुई शिमला मिर्च डालें। मैंने यहाँ पर आधी शिमला मिर्च काट कर डाली है। इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए ढककर पका लें। अब ढक्कन हटाएं और इसमें 1/4 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर डालें। आँच धीमी रखें और जो हमने टमाटर अदरक हरी मिर्च का चॉपर से चॉप करके रखा हुआ है उसे डाल दें। इससे क्या है, बहुत बारीक बारीक टमाटर कट जाते हैं और उससे इसका स्वाद बढ़ जाता है। अब आप इसे ढक कर 2 मिनट के लिए पकाएं और इसमें उबले हुए मटर डाल दें 1/2 कटोरी। अभी इन दिनों हम फ्रिज में जो स्टोर किए हुए हैं वही मटर यूज़ कर रहे हैं। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डालें। इसे थोड़ा सा पकने दें और थोड़ा सा इसमें 1/4 चम्मच गरम मसाला डाल दें। साथ ही साथ हमने जो पनीर कद्दूकस कर रखा है वो मिलाएं। सबको अच्छे से मिलाएं। मिलाकर इसमें बारीक कटा हुआ धनिया पत्ती डाल दें और इसे 1/2 मिनट के लिए एक बार और ढककर पकाएं। तैयार है हमारी सब्जी। टोटल इसमें लगा है 5 से 6 मिनट। अब इसे बोल में डालें, सर्विंग बोल में, और इसे तंदूरी रोटी, जीरा राइस या सादी रोटी किसी के साथ भी खाएं। तैयार है हमारी स्वादिष्ट पनीर भुर्जी।